दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी दोस्तों आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम कक्षा दस के जो कि ये त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यानी इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया है, तो अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या तो आप ऊपर आई बटन मिल जाएगा वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएगा या तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस सीरीज को चालू करने का मेन मोटिव मेरा ये था कि अभी तक कॉलेज स्कूल जो कि बंद हैं उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। यानी अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप डिजिटल टाइम का ज़माना है तो आपके पास घर में मोबाइल होगा वहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना स्टडी लेक्चर जो कि आपको एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। यानी दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो यहाँ पर 1 + sin θ कोष्टक में 1 - sin θ और 1 + cos θ एक कोष्टक में 1 - sin θ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यदि एग्जाम में आप देने जा रहे हैं कॉपी में आपने सबसे ऊपर प्रश्न को नंबर डालेंगे उसके बाद लिखना चालू करेंगे तो प्रश्न में क्या दिया है ये लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए, यानी प्रश्न में क्या दिया है इसको आप लिख दीजिए। तो सिर्फ क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है आपको कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8। ठीक है, प्रश्न में केवल यही वैल्यू दी गई है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको रचना के तौर पर यानी यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपकी एक त्रिभुज की रचना किया जिसका नामकरण हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABCD की रचना किया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का बनाएंगे तो देखिए एक राइट एंगल त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे इसका नामकरण कर देते हैं। ये A हो गया, ये B हो जाएगा और ये भुजक A हो जाएगा कोण ये C, यानी ये सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 90 का। 90 के सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ा, यानी ये इसको हम कर्ण कहते हैं। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब। ठीक, ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगी, ए भी क्या हो जाएगी आधार। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए ये मान आपको निकालना है, एग्जाम में दिया रहेगा प्रश्न ऐसे ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले जानिए कॉट थीटा बराबर, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार आधार बटे लंब, यही होता है जो कि हमने बेसिक से बताया था। तो उसमें तो ये बताया था लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी ये हो जाएगा क्या आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए आधार की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा ये 7। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या जरूरत, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जरूरत क्या है, यहाँ पे साइन थीटा चाहिए यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में क्या होता है कर्ण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको कर्ण निकालना होगा। तो देखिए हम निकाल लेते हैं, एग्जाम में ये जैसे सेम टू सेम लिखा जा रहा है वैसे ही लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे को पता है। यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से ये साफ साफ लिखना है। फिर उसके नीचे देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, इसको मैंने डिटेल में बात की है तो इसके पहले जो वीडियो है उनको जरूर देख लीजिएगा। ये हो जाता है ये कर्ण पर बना हुआ वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दिया हुआ है, यानी ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 × 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 × 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 9 × 4 = 13, यानी ये हो जाएगा आपका 113।
जो कि कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर की। अगर यहाँ पे हमें कर्ण चाहिए तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 113। ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी कर्ण की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में 113। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि आप ये भी जानते हैं कि ये होता है आपका, अगर किसी समीकरण, ये फार्मूला जो कि कक्षा आप आठवीं में भी जानते होंगे, लगभग ये 6 से 7-8 में आपको मिल गया होगा, यानी अगर ये है a प्लस बी एक कोष्टक में है a माइनस बी, ये बराबर किसके होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आपका साइन का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका कास का स्क्वायर। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एक फार्मूला वो लगा सकते हैं, बट ये अभी आपके आगे वाले सिलेबस, आगे वाले प्रश्नावली में है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये इसको और इजी तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप उतार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब देखिए ये वैल्यू आपको पता चल गई होगी, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस जो कि साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं आप, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए त्रिभुज में देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की वैल्यू सबसे पता होनी चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है, 8 दिख रही है, और कर्ण की वैल्यू 113 अंडर रूट में। तो लिखिए यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 8/113, दिख रहा होगा ये लगभग, आशा करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/ कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 8×64 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए यानी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 8×64 ये कितना हो जाएगा 113। यानी अगर कहीं पे अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट लगा है, अगर इस पर स्क्वायर लगाते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये नियम होता है। फिर नीचे 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, 7×49/113, ये हो जाएगा आपका 49/113। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, भिन्न हो जाएगा, यानी इनका दोनों का एलसीएम लगेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 113। ठीक है, एक से भाग करेंगे तो 113, यानी यहाँ पे 113 आ जाएगा, माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 64, वहीं पे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे ये देखिए तो 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका अगर 113 में से 64 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, अगर वहीं 113 में से 49 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64, यानी ये वैल्यू आपकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कि प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी रुकिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ का मान जो है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे इतना राइट आंसर हो जाएगा, अगर इतना आप जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या है कि पूरा नंबर पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं, उसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, उसी में आप देखिए किताब में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है।
देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यानी देखिए कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे यानी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं जो कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/49/64, यानी दोनों मान कितने आ रहे हैं, यही मान आ रहे हैं। तो ये बात फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे जो कि आपका हो जाएगा आपका 8वां क्वेश्चन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।